दोस्तों आज हम ये देखने जा रहे हैं कि ये यहाँ पर काठियावाड़ी पनीर ये किस तरह से बनेगा और किस तरह से ये जो काठियावाड़ी स्टार्टर इसको बोला जाता है, जिसके अंदर होता है मेनू में काठियावाड़ी पनीर, लेकिन इसके अंदर पनीर का यूज नहीं होता, फिर भी आपको पनीर की तरह टेस्ट आता है, एकदम काठियावाड़ी देसी लुक टेस्ट के साथ। इसके अंदर इस लोगों की जो सीक्रेट रेसिपी के जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो अभी ऐड कर रहे हैं। इसका आपको टेस्ट करना हो तो पर्सनली खुद इधर ही आना पड़ेगा और इसका एड्रेस डेफिनेटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये जो मैंने काठियावाड़ी पनीर बोला उसका जो पनीर है वो ऐड किया है, लेकिन दोस्तों याद रखना ये ओरिजिनल पनीर नहीं, ये काठियावाड़ी पनीर है जो कि बेसन से बनाया जाता है स्पेशल मसाले को ऐड करके। दोस्तों अभी और ये बन रहा है काठियावाड़ी पनीर का जो चटनी होती है जिसके साथ आपको खाना है वो की अभी रेडी हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। दोस्तों और इसके ऊपर धनिया और हरा लहसुन ऐड करके इसको डेकोरेट किया जाता है, जो कि आपको टेस्टिंग में भी बहुत ही क्रिस्पी और लेवल रहेगा। दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर काठियावाड़ी पनीर जो कि स्टार्टर में इनका मेनू में और दिखने भी बहुत ही डिलीशियस है, ये आपको खाने के लिए यहाँ ही आना पड़ेगा और इस जगह का एड्रेस आपको डेफिनेटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये अलखनऊ ओटलो द गार्डन रेस्टोरेंट का फिक्स काठियावाड़ी लंच है, जिसके अंदर आपको चार चपाती, दो सब्जी, सलाद, मसाला खिचड़ी, कढ़ी और छाछ और पापड़ का कॉम्बिनेशन के साथ पूरी डिश आपको यहाँ से मिलती है।